तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो ये वो ड्रग्स हैं जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करेंगी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ड्रग है उसमें थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनिबिटर TXA2 इनिबिटर, जो कि एस्पिरिन होता है। फिर उसके बाद आता है प्लेटलेट्स कैम एनहेंसर या फिर फॉस्फोडाइस्टेरेज इनिबिटर, उसमें आता है डाईपायरीडामोल, ठीक है। फिर P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर है वो आता है, उसमें आते हैं अपने क्लोपिड्रोगिल, ठीक है। फिर टिकाग्रेलोर और टीक्लोपिडिन, तो क्लोपिड्रोगिल और टीकोप्लेटरिन याद कर लो, प्लेटिन। फिर GP2B3A एंटागोनिस्ट, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है अपने प्लेटलेट्स के ऊपर, उसको इनिबिट करता है। टीरोफेबिन, ये सब एंटागोनिस्ट है, उसको याद कर लो। तो अपन एक एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। एस्पिरिन जो होता है TXA2 सिंथेसिस इनिबिटर होता है। तो जो एस्पिरिन है वो COX-2 को इनिबिट कर देता है, जिससे कि TXA2 कम बनता है और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आ जाता है अपना। और इसके साइड इफेक्ट हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन और ब्लीडिंग करा देता है। फिर डाईपायरीडामोल था, वो वैसोडाइलेटर होता है, कैसे एक्ट करता है, फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर का होता है और कैम को इंक्रीज करेगा, जिससे कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट आता है क्लोपिड्रोगिल टीक्लोपिडिन, ये इनिबिट करता है ATP मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय इरिवर्सल ब्लॉकिंग ऑफ P2Y12 रिसेप्टर को। तो अपन ये फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो देखो प्रोसेस क्या है प्लेटलेट एग्रीगेशन की। सबसे प्लेटलेट एडहेशन होता है डैमेज वॉल में, तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है। फिर एरेक्टोनिक एसिड जनरेशन होगा, जो एरेक्टोनिक एसिड है ना ATP रिलीज करा के डायरेक्टली प्लेटलेट एग्रीगेट करा देती है। तो ये जो अपना क्लोपिड्रोगिल है ये ATP के रिलीज़ को कम करा देगी, ठीक है। फिर और आगे देखो, यहाँ पर एरेक्टोनिक एसिड से कॉक्स से PGD2 बनता था, प्रोस्टाग्लैंडिन TXA2 वगैरह बनता था, तो कॉक्स को इनिबिट करा के अपना एस्पिरिन ने यहाँ से एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दिखाया। फिर TXA2 एक्टिवेट करता है कौन से रिसेप्टर को, GP2B एंड GP3A है ना, इसको एक्टिवेट करता है। तो अपन GP2A और GP2B और 3A को अपन ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे कि प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो। तो समझ में आ गई चारों ड्रग की मैकेनिज्म। फिर इसके बाद आते हैं क्लोपिड्रोगिल और टीकोप्लेटिन ने यह किया, ATP मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट किया बाई ब्लॉकिंग P2Y12। P2Y12 वही है कि ATP वहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, तो उससे एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आ गया। फिर इसमें एडवर्स इफेक्ट डायरिया होता है, न्यूट्रोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। फिर नेक्स्ट आता है AFCZMAB और टीरोफेबिन, तो ये क्या कर रहा था, GP2B और 3A रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा था, जो फाइनल स्टेप है प्लेटलेट एग्रीगेशन की। तो ब्लॉक GP2B 3A रिसेप्टर फॉर फाइब्रिनोजन एंड वंडरवॉल फैक्टर, बाय दिस दे इनिबिट फाइनल स्टेप ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, फाइनल स्टेप ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट किया। और इसमें क्या है कि एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकती है। फिर यूजेस देखते हैं, सबसे पहले एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स में काम आता है, जैसे एक्यूट MI, अनस्टेबल एंजाइना, इन सब में काम आता है। तो बाय एंटी प्लेटलेट इफेक्ट रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ MI, स्ट्रोक और मोर्टिलिटी, ये ब्लड को थिन कर देता है, तो इस वजह से इफेक्ट आता है। तो एस्पिरिन प्लस क्लोपिड्रोगिल है वो अपन यूज़ करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स में। फिर नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें वही लो डोज एस्पिरिन रिड्यूसेस द ऑकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, डेथ इन पोस्ट MI पेशेंट। वही ऊपर जो लिखा वही है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे MI, स्ट्रोक और इन सब में डेथ कम करता है। फिर प्रोस्थेटिक वॉल्व, हार्ट वॉल्व में क्या होता है कि प्रोस्थेटिक जब अपन वॉल्व लगाते हैं तो उसे वॉल्व थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो अपन ये ड्रग्स है ना ये देके रखते हैं, जिससे कि ब्लड थिन रहे और क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो। तो एस्पिरिन विद वॉरफेरिन रिड्यूसेस द रिस्क, तो ये एस्पिरिन और वॉरफेरिन दवाई देते रहते हैं, जिससे कि क्लॉट ना बने। फिर आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, तो इसमें क्या होता है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ एस्पिरिन इस पेशेंट इन पेशेंट विद TIA रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रिकरेंट अटैक। तो मान के चलो जिसमें ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, मतलब कि इस्केमिक अटैक आ रहा है अभी, है ना, आना शुरू हुआ, उसके बाद एंजाइना या MI करा सकता है। तो अगर उस टाइम पर अपन ने एस्पिरिन दे दी तो उसका ब्लड थिन हो जाएगा, तो वो दोबारा से आने के चांसेस कम हो जाएंगे। या फिर फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, एस्पिरिन क्लोबिट्रोगिल प्लस एस्पिरिन एंड एस्पिरिन डाईपायरीडामोल आर यूज। तो अगर सेकेंडरी स्ट्रोक या फिर MI के बचाना है कि एक बार MI आ चुका है, दोबारा MI ना आए, तो इसलिए अपन ये वाली ड्रग्स देते हैं। फिर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ में अपन एस्पिरिन क्लोपिड्रोगिल जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रिवेंट करती है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बनने नहीं देगी, तो ये काम में आ जाएगी। तो ये थी अपनी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, इसका भी क्लासिफिकेशन यूजेस वगैरह पूछ सकते हैं, तो ये भी कर लेना। थैंक यू।